कोरिया जिले का विभाजन होने के बाद मनेन्द्रगढ़ को जिला की घोषणा होने से पिछले लगभग एक वर्षों से अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के कोरिया प्रवास व मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का शुभारंभ करने के एक दिन पूर्व प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के लाख प्रयास के बाद भी अपने द्वारा संचालित क्रमिक भूख हड़ताल अनशन के स्थान पर 8 सितंबर से 6 सत्याग्रही उपेंद्र जैन, बीरू खान, आजाद सिंह, चंदन गुप्ता, प्रताप अधिकारी व पूरन गुप्ता द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके साथ ही चिरमिरी बंद व काला दिवस मनाने तथा पुतला दहन करने की घोषणा कर देने के कारण प्रशासनिक हलचल बढ़ गई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ करने आने के पूर्व सुबह बड़ी संख्या में आए पुलिस दल द्वारा आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों को बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर चिरमिरी थाने ले जाया गया। वह संघर्ष समिति चिरमिरी का मंच भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के बाद इसकी सूचना चिरमिरी में फैलने के कारण आक्रोशित लोगों द्वारा जहां पूरी तरह चिरमिरी को बंद रखकर आक्रोश प्रकट किया गया, वहीं पर चिरमिरी के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर चिरमिरी के लोग काला कपड़े व झंडे लगाकर काला दिवस भी मनाया गया। एक तरफ जहां मनेन्द्रगढ़ जिला बनाने के उत्साह में अपनी खुशियां बटोर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चिरमिरी संघर्ष समिति व स्थानीय नागरिकों द्वारा पुतला दहन करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खुलकर आक्रोश भी प्रकट किया गया। जिला मुख्यालय की जो एक साल की संघर्ष समिति की एक साल की जो मांग थी जिला मुख्यालय की, आज जिला मुख्यालय की तो घोषणा हो चुकी है, पर हमारे चिरमिरी की जनता और हमारे जो साथी हैं, ये हमारी ये मांग जब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे चिरमिरी को सही हक नहीं मिलेगा, और जब तक ये हम प्रशासन से या शासन से या किसी भी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं और हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक हमारे चिरमिरी को हक नहीं मिलेगा हम इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, चिरमिरी क्यों गुस्सा में है? साल भर से हमारी चिरमिरी की जनता जो है परेशान है, आमरण अनशन कर रही है, और तीनों विधानसभा की बात है तो निश्चित तौर पे इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लापरवाही के लिए हमारे यहाँ के मुखिया लापरवाह है, जो विगत एक वर्षों से देख रहे हैं कि संघर्ष किया जा रहा है, यहाँ 80,000 वोटर रहते हुए भी अनदेखी करके मनेन्गढ़ में 32-35,000 लोग बसे हुए हैं, और मनेन्गढ़ को मुख्यालय बनाना ये कहाँ उचित है? हमारे चिरमिरी से ही निकल करके वोट पा करके लोग विधायक बन रहे हैं चिरमिरी के वोट से, तो ये अनदेखी नहीं तो और क्या है? मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन चल रहा था और पुलिस ने आज तड़के सुबह से ही जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके घरों से जाकर उठाकर ले आए और मंच को पूरा हटाकर दमन कर दिया। उसके बाद भी चिरमिरी के लोगों में जज्बा की कमी नहीं थी, चिरमिरी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा और इस काला दिवस चिरमिरी के लोगों ने बनाया, और हम लोगों की जो मांग थी आज भी हम लोग कायम है और हमारा चिरमिरी के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। चिरमिरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है, और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो है आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब ले करके थाने पे आ गई और बंद कर दी, ना गिरफ्तारी शो कर रही है और ना उनको छोड़ रही है। उसी को लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 3 राउंड में आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है, और हम लोग अभी भी मतलब थाने के अंदर हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी दे रहे हैं। शासन हम लोग की पूरी गिरफ्तारी का आंकड़ा शासन को नहीं भेज रहा है, गिरफ्तारी अभी शासन की सह पर है और यहाँ के नेतृत्वकर्ता की सह पर है। हम सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों की सह पर यहाँ पर जो है ये हम लोग के साथ विश्वासघात किया जा रहा, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं और शासन उसी लिए हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है।